हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि रोहित शेट्टी की मच अवेटेड सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का टीजर आ गया है। इंडियन पुलिस फोर्स के इस टीजर में एक्शन से भरी एक थ्रिलर ड्रामा कहानी नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत एक शहर से होती है जहां हम देखते हैं कि शहर में तीन बड़े धमाके हुए हैं और शहर पूरी तरह से हिल गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी कि कबीर मलिक की एंट्री होती है जो यहां पर हमें पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं। साथ ही विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी को भी पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाया गया है। तो ये बम धमाका कौन करता है और कैसे इंडियन पुलिस फोर्स की ये टीम उन हमलावरों तक पहुंचती है, यह हमें आगे सीरीज में देखने को मिलेगा। टीजर में कोई डायलॉग तो नहीं है, लेकिन टीजर देखकर लग रहा है कि सीरीज की कहानी पुलिस ऑफिसर और आतंकवादियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जो भी है, टीजर अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि सीरीज भी काफी अच्छी होगी। यकीन मानो, जितना इस सीरीज का लोगों ने इंतजार किया है शायद ही किसी और सीरीज का किया होगा, और वो इसलिए क्योंकि सीरीज को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है क्योंकि इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी 2024 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी एडवांस बुकिंग पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ लिमिटेड थिएटर में फिल्म की एडवांस बुकिंग खोली गई है। कहा जा रहा है कि आज रात तक कुछ और मल्टीप्लेक्स में फिल्म की एडवांस बुकिंग खोली जाएगी और फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग कल संडे या फिर मंडे से स्टार्ट होगी। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। सालार की एडवांस बुकिंग भी कुछ लिमिटेड जगहों पर खोली गई है। कर्नाटका और केरला में तो फिल्म के कुछ ही घंटे में कई सारे शो हाउसफुल हो गए थे। सालार की फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग कल 17 दिसंबर से स्टार्ट होगी। अब देखना ये होगा कि एडवांस बुकिंग में कौन सी फिल्म बाजी मारती है। क्या कहना चाहेंगे आप डंकी वर्सेस सालार की एडवांस बुकिंग के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। और फरवरी में गेम चेंजर की शूटिंग खत्म करने के बाद रामचरण अपनी अगली अनटाइटल फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 में स्टार्ट करेंगे। अभी रामचरण गेम चेंजर में बिजी हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म फरवरी 2024 में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। शंकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें रामचरण एक आईएएस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 2024 एंड या फिर 2025 में रिलीज होगी। गेम चेंजर की शूटिंग खत्म करने के बाद रामचरण अप्रैल 2024 में RC-16 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। रामचरण की ये अनटाइटल फिल्म भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे बुची बाबू सना डायरेक्ट करेंगे और ये फिल्म 2025 के अंत तक आ सकती है। अगर गेम चेंजर 2024 के अंत तक नहीं आती है तो 2024 में भी रामचरण की फिल्म नहीं आएगी और ये काफी दुख की बात है। फाइटर के पहले सॉन्ग को रिलीज किया गया है जिसका नाम है शेर खुल गए। जब इसका टीजर आया था तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर हमें घुंघरू टूट गए की तरह कोई इंटरेस्टिंग लिरिक्स वाला गाना सुनने को मिलेगा, लेकिन यकीन मानो शेर खुल गए का लिरिक्स इतना खराब है कि इसे काफी लोग पूरा सुन ही नहीं पाए। शेर खुल गए को इसके लिरिक्स की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया है। हाँ, ऋतिक रोशन का डांस काफी अच्छा है, लेकिन इसके लिरिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। देखो, फाइटर से काफी उम्मीद है तो एक गाने की वजह से हम इसे खराब नहीं कह सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले गाने अच्छे होंगे और इसका ट्रेलर अच्छा होगा। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन बनी ऋतिक रोशन की ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। धनुष की आने वाली अनटाइटल फिल्म D50 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। D50 एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे खुद धनुष ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ, ये फिल्म खुद धनुष ने डायरेक्ट की है और वही फिल्म के लीड रोल में भी नजर आएंगे। साथ ही नित्या मेनन, एस जे सूर्या और संदीप किशन अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के प्लॉट के बारे में खबर आ रही है कि ये एक अलग टाइप की गैंगस्टर फिल्म होगी जिसमें आपको एक इंटेंस एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि धनुष की ये फिल्म भी समर 2024 में रिलीज होगी। अभी धनुष की अगली फिल्म कैप्टन मिलर है जो पोंगल के मौके पर आने वाली है। मैंने काजोल की काफी सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन ये बात मुझे आज पता चली है कि काजोल ने आज तक एक भी हॉरर फिल्म नहीं की है। जी हाँ, लेकिन अब बहुत जल्द काजोल एक खतरनाक हॉरर थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। खबरों की माने तो छोरी फिल्म के डायरेक्टर विशाल फोरिया ने काजोल को एक हॉरर कहानी सुनाई है जो काजोल को काफी पसंद आई है और वो इस फिल्म में काम करेंगी। फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का नाम होगा माँ। माँ फिल्म अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाएगी जिसे विशाल फुरिया डायरेक्ट करेंगे और काजोल लीड रोल में नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म OTT पर आती है या फिर थिएटर में। जो भी है, हम आपको आगे बताते रहेंगे। और रवि तेजा की आने वाली फिल्म ईगल को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा।
ईगल एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें रवि तेजा लीड रोल में नजर आएंगे। टीजर काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें रवि तेजा के कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस मैन के रोल में दिखाया गया है। तो कौन है ये आदमी और आखिर सब लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये हमें ट्रेलर आने पर पता चलेगा। रवि तेजा की ये फिल्म 13 जनवरी को रिलीज होगी। तेलुगु में इसका नाम ईगल है लेकिन हिंदी में इसे सहदेव के नाम से रिलीज किया जाएगा। रवि तेजा की पिछली कई फिल्मों को यहाँ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है लेकिन आज तक एक भी फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है। तो अब देखते हैं सहदेव फिल्म कैसी होती है। बॉन वोयाज। अरण्यक की सफलता के बाद रवीना टंडन की एक और सीरीज आ रही है जो जनवरी 2024 में रिलीज होगी। अभी सीरीज से जुड़ी ज्यादा अपडेट नहीं आई है लेकिन यहाँ पर उस सीरीज का एक ग्लिम्स रिलीज किया गया है जिसमें आप रवीना टंडन को सक्सेस और कर्मा के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। सीरीज का नाम कर्मा कॉलिंग है जो 26 जनवरी 2024 को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होगी। लेकिन मैं कहती हूँ जब दुनिया आपके कदमों पर हो तो कर्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रीचर सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। रीचर एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसमें आपको जैक रीचर की कहानी देखने को मिलेगी। रीचर के पहले सीजन को काफी पसंद किया गया था और अभी इसके सीजन 2 को भी काफी पसंद किया जा रहा है। सीजन 2 के 3 एपिसोड आ गए हैं और बाकी के 5 एपिसोड आने वाले हर फ्राइडे को प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेंगे। अच्छी सीरीज है जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। राजकुमार हिरानी डिज्नी प्लस हॉट स्टार के साथ एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जिसमें विक्रांत मेसी लीड रोल में नजर आएंगे। अभी हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मेसी की बायोपिक ड्रामा फिल्म 12th फेल को काफी पसंद किया गया है। तो विक्रांत मेसी राजकुमार हिरानी के प्रोडक्शन हाउस के साथ एक सीरीज में काम करेंगे जिसे अमित सत्यवीर सिंह डायरेक्ट करेंगे। ये एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज होगी जिसकी कहानी साइबर क्राइम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी और इस सीरीज में विक्रांत मेसी साइबर क्राइम एक्सपर्ट के रोल में नजर आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में सीरीज की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये सीरीज 2024 में देखने को मिलेगी। नागार्जुना की फिल्म ना सामी रंगा का टीजर कल 17 दिसंबर को रिलीज होगा। ना सामी रंगा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे विजय बिन्नी ने डायरेक्ट किया है। तो कल ना सामी रंगा का टीजर रिलीज होगा और ये फिल्म संक्रांति 2024 में रिलीज होगी। खबरों की माने तो करिश्मा कपूर और सारा अली खान की आने वाली फिल्म मर्डर मुबारक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। मर्डर मुबारक एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे अंग्रेजी मीडियम के डायरेक्टर होमी अज्जानिया ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में करिश्मा कपूर और सारा अली खान के साथ विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी और कुणाल खेमू अहम भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन ये फिल्म 2024 के शुरू में ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कल थर्ड फ्राइडे में एनिमल ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया है। 13 करोड़ 15 लाख के साथ एनिमल ने 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 797 करोड़ यानी कि लगभग 800 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इस वीकेंड तक ये फिल्म 850 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब देखना ये होगा कि 1000 करोड़ पहुंचने में अभी इस फिल्म को कितना टाइम लगता है। मैं आप सब जानना चाहूंगा कि क्या एनिमल 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।